गवर्नर सर, आज का टॉप कॉल कौन सा? मेरा टॉप कॉल बिल्कुल गुड मॉर्निंग टू यू और शुभकामनाएं आज के फेस्टिवल्स की। आपको भी सर। स्टॉक बजाज फाइनेंस का बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा है, जो लोअर लेवल से 6,800 से बाउंस मिला, बहुत बढ़िया मिला है। सेकेंड अटेम्प्ट दो बार हुआ, अब लगता है जो मूव क्लोज हुआ है 7383 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 7320। मुझे लगता है 7,500 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम वो चला जाएगा, तो बजाज फाइनेंस पर ध्यान देना चाहिए 1, 2 या 3 दिन के लिए। यस बजाज फाइनेंस। ओके, बजाज फाइनेंस। चलिए गाबा सर, आपको भी हैप्पी जन्माष्टमी मेरी तरफ से भी, और बाकी पूरे पैनल को देखिए, सब फेस्टिव कलर्स में हैं आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको एकदम फेस्टिव कलर्स में देखकर। कविता जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी, बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी को शुभ जन्माष्टमी और हमारे सारे व्यूवर्स को भी। पालकी की पालकी जय कन्हैया लाल की। नटखट है कन्हैया जी और नटखट हमारा बाजार। आज की टॉपिक जो है वो है कोरोमंडल पर। कोरोमंडल इंटरनेशनल को जब आप वीकली टाइम सेटअप पे देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, इवन सॉसर आईमस से सॉसर फॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने। ऑन अ डेली चार्ट का ये पिन बार हैमर फॉर्मेशन के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। आई बिलीव यहाँ मूव्स एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। 1144 का क्लोजिंग है ऑन फ्यूचर्स, सो 1157 1165 के लेवल्स के लिए कोरोमंडल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 1125 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इन एनी केस अगर गैप के साथ खुले और टारगेट के नियर हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ना हो, तो ट्रेड को छोड़ दें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।